ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफे और उसके बाद राजनीति में उतरने के ऐलान पर चर्चाएं गर्म हैं। जल्दी वो इस्तीफा देने वाले हैं और कोई पार्टी वो ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। किस पार्टी में जाएंगे ये भी नहीं बताया उन्होंने, लेकिन पढ़ने वाले उनके इशारे पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई पार्टी जैसे कि बीजेपी या कांग्रेस या लेफ्ट या कोई अन्य छोटी पार्टी उनको टिकट देती है तो मैं उनके साथ जुड़ूंगा और चुनाव भी लड़ूंगा। लेकिन अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये साफ कर दिया है कि वो टीएमसी के साथ नहीं जाएंगे। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीएमसी ने कई बार मुझे राजनीति में उतरकर चुनाव लड़ने की चुनौती दी है, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए। बंगाली होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो लोग नेता के तौर पर उभरे हैं उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। चूंकि मेरे पास कई सारे केस पेंडिंग हैं, इसके चलते मैं सोमवार 4 मार्च को कोर्ट में ही रहूंगा। मंगलवार 5 मार्च को मैं राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपूंगा। अलग अलग पार्टियों का इस पर क्या कहना है ये भी जान लीजिए। टीएमसी नेता देबंगशु भट्टाचार्य ने कहा है कि हम तो पहले से ही जान रहे थे कि ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा है कि अब उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया। जबकि बीजेपी के सुकांता मजूमदार ने कहा है कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जैसे लोगों का राजनीति में आना राष्ट्रहित में है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला मसीहा बताया है। कहा है कि अगर अभिजीत कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जस्टिस अभिजीत से थोड़ा परिचय आपका करवा देते हैं। याद करिए पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला। राज्य में 2012 से 2022 के बीच ग्रुप सी और ग्रुप डी के नॉन टीचिंग स्टाफ, 9वीं से 12वीं तक के टीचिंग स्टाफ और प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की अवैध भर्ती की गई। हाईकोर्ट से जांच के आदेश आए, तब के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार भी हुए। लगभग 36,000 अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश पारित हुआ, बाद में उसे रोक भी दिया गया। जिस जज ने यह आदेश दिया था उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर 2 सांसद अभिषेक बनर्जी के हिसाब बही पर उन्होंने खुलकर सवाल उठाए। एक पद पर आसीन जज कचहरी के बाहर अपने केस पर बात कर रहा था, राजनीतिक बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट को यह ठीक नहीं लगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि जजों को टीवी इंटरव्यू नहीं देने चाहिए और साफ कहा कि इंटरव्यू देने वाले जज को घोटाले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने नहीं दी जा सकती। जिन जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दी थी वो जनाब यही थे, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। हालांकि अभिजीत गंगोपाध्याय ऐसे पहले जज नहीं हैं जिन्होंने राजनीति से नाता जोड़ा हो। 1967 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुब्बा राव ने रिटायरमेंट के 3 महीने पहले पद छोड़ दिया था और राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जाकिर हुसैन के सामने विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने उतर गए थे। हालांकि वो चुनाव वो जीत नहीं सके। 1983 में भी सुप्रीम कोर्ट के जज बहरुल इस्लाम ने पद से इस्तीफा देकर असम की बरपेटा सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की। उनके भी रिटायरमेंट में 6 हफ्ते ही उस समय बचे थे। हालांकि 1984 में उग्रवाद की वजह से असम में चुनाव नहीं हो पाए तो कांग्रेस ने बाद में उन्हें राज्यसभा भेजकर एकोमोडेट किया। लेकिन ये सवाल फिर से उठ रहा है कि जब एक सिटिंग जज जुडिशरी छोड़कर तुरंत राजनीति में उतर जाता है तो ये कितना नैतिक है। सवाल पूछा जा रहा है कि हाल फिलहाल में उन्होंने जो फैसले दिए उनमें कोई राजनीतिक आग्रह दुराग्रह रहा होगा क्या। 24 घंटे में वे न्याय के मसीहा से एक राजनीतिक विचार के पुरोधा हो जाएंगे। संविधान उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, ये सही है, लेकिन इस यात्रा में क्या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होना चाहिए। वही सवाल जो अफसरों के राजनीति में उतरते वक्त भी पूछा जाता है। हमने इसे समझने की कोशिश की, बात की कानूनी मामलों के जानकार से, सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता से। उनसे हमने पूछा कि इस घटना से जुड़े नैतिक पहलू क्या कहते हैं। और संविधान के तहत जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 50 में इसका प्रावधान है। लेकिन अगर हम केशवानंद भारती के जजमेंट को, ऐतिहासिक जजमेंट को देखें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बेसिक स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। तो अब इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जज साहब जब नौकरी में थे, जब जज थे, तो उनका आचरण क्या ऐसा तो नहीं था कि वहां पर न्यायिक स्वतंत्रता कहीं से कंप्रोमाइज हो रही थी। दूसरा, जज साहब रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं वो नैतिकता का सवाल अभी इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इस बारे में बहुत लंबी चर्चाओं के बावजूद कोई कानून नहीं बना।
पुराने समय में अनेक जज रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनते आ रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं, राज्यसभा का सदस्य बनते रहे हैं, मंत्री बनते रहे हैं, तो उन विषयों पर कूलिंग ऑफ पीरियड का कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि इन जज साहब के ऊपर, जब वो जज थे उस समय में ही आरोप लग रहे थे कि राजनीतिक संलग्नता के आरोप थे, और उनके अनेक फैसलों को डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने बदला था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उन्होंने जितने राजनीतिक मामलों के फैसले दिए थे, क्या उन पर रिव्यू होना चाहिए? क्योंकि ये बात, जो आरोप थे वो आरोप पुष्ट हो गए हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट, उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ, वो रिजाइन करके और एक चुनावी प्रक्रिया को ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके पहले भी उनकी जो हड़बड़ी में पारित किए गए आदेश थे, तो उन पर अनेक प्रकार के संदेह पैदा होते हैं। तो न्यायपालिका को अख्तियार है और ये अधिकार है कि उनके उन जो चर्चित फैसले हैं, संवेदनशील फैसले हैं, उनका क्या रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो निष्पक्षता पर एक संदेह बनते हैं। अच्छा विराग जी, ये भी बताएं कि क्या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड का ना होना, खास तौर से जुडिशरी में, अगर कोई जुडिशरी से राजनीति में आना चाहता है, क्या ये इसे एक लीगल लूप होल की तरह देखा जा सकता है? देखिए, भाजपा के पुराने कद्दावर मंत्री थे अरुण जेटली, और उन्होंने बोला था कि जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई असाइनमेंट नहीं लेना चाहिए, ट्रिब्यूनल में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो न्यायिक, उससे निष्पक्षता है, वो प्रभावित होती है। और जजों को रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छी पेंशन, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ मिलते हैं, और संविधान के अनुसार जो प्रावधान है, संविधान के तहत हाई कोर्ट का जज उस हाई कोर्ट के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, और उसमें उनका जो एक प्रोटोकॉल निर्धारित होता है, उस तो प्रोटोकॉल में भी उनका एक दर्जा निर्धारित होता है रिटायरमेंट के बाद भी। इसलिए यह जरूरी है कि अगर सरकार इस बारे में कोई कानून लाए या नहीं लाए, न्यायपालिका को भी अपने ही नैतिक बल को सुदृढ़ रखने के लिए, अपनी जो उनकी मैजेस्टी ऑफ लॉ है उसको बरकरार रखने के लिए, या तो स्वस्थ परंपरा बनानी चाहिए, या खुद ही कोई सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए, अनुच्छेद 142 के तहत उनके पास शक्ति है, जिससे कि रिटायरमेंट के पहले और रिटायरमेंट के बाद जजों के न्यायिक आचरण को एक कानूनी प्रक्रिया में लाया जा सके, जो न सिर्फ नैतिक तौर पर उचित हो बल्कि संवैधानिक तौर पर भी ठीक हो, क्योंकि जजों की जो साख है वो महत्वपूर्ण है। जज जो फैसला देते हैं उनकी साख के आधार पर लोग पंच परमेश्वर मान के करते हैं, और अगर जज भी पूरी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार चलने के बजाय राजनीतिक प्रक्रिया में संलग्न हो जाएंगे, तो इससे न सिर्फ संविधान का बल्कि एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा। खैर, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय अब किस भूमिका में दिखेंगे और आगे क्या करेंगे, इस तरह के उदाहरणों पर न्यायपालिका का रुख क्या होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। पढ़ते हैं अगली सुर्खी की ओर। 4 मार्च को बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का ट्विटर हैंडल देखकर लोग हैरत में पड़ गए। सबने अपने अपने नाम के आगे लिख रखा था मोदी का परिवार। इन नेताओं में अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और लगभग सभी बड़े नेता शामिल थे। क्या कारण है इसके पीछे? कारण है राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव का एक बयान। 3 मार्च को बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा था कि मोदी परिवारवाद पर हमला करते हैं क्योंकि उनका खुद का कोई परिवार नहीं है। मोदी क्या है? मोदी मोदी कोई चीज है? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं है, तुमको हुआ बताओ। इसी के बाद 4 मार्च की सुबह से ही सभी बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ना शुरू कर दिया। एक तरह से ये मैसेज देने के लिए कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार है। प्रधानमंत्री सोमवार को तेलंगाना में रहे, यहाँ एक रैली में उन्होंने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैंने मोदी कुटुंबम।
नेने नेने नेने। बीजेपी का ये कैंपेन कुछ कुछ 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वाले उनके कैंपेन जैसा है। तब राहुल गांधी ने एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा लगाया था और उसके बाद बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ लिया था। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से सनातन धर्म के खिलाफ बार बार टिप्पणियां करने वाले उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन से कहा है कि उन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। पिछले साल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही थी, जिसके बाद उनके पिता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को सफाई भी देनी पड़ी थी। बयान के बाद जूनियर स्टालिन के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज की गई थी। बाद में मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सभी FIR को एक साथ करके सुनवाई की जाए। सोमवार 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने उदयनिधि स्टालिन की अपील पर सुनवाई की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये कहा कि मंत्री ने बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। बेंच ने उदयनिधि के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपने, यानी उदयनिधि स्टालिन ने, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। अब आप एक और अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपके मुवक्किल को ये नहीं पता कि उनके बयान का क्या नतीजा निकलेगा? क्या आप कोई आम आदमी नहीं हैं? आप मंत्री हैं, आपको अपने बयान के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था, ये कोर्ट ने कहा। इस पर सिंघवी ने कहा कि वो उदयनिधि के बयान को सही नहीं ठहरा रहे हैं। उनके खिलाफ 6 राज्यों में FIR दर्ज हैं। वो केवल इतना चाहते हैं कि ये सभी एक जगह कर दी जाएं। वरिष्ठ वकील की बात पर बेंच ने कहा कि उनको संबंधित हाईकोर्ट में जाना चाहिए। जवाब में सिंघवी ने कहा कि उन्हें 6 हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, वो इसी में फंसे रह जाएंगे। अब शीर्ष अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है। उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर 2023 को सनातन धर्म को लेकर यह विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मच्छर और कोरोना जैसा बताते हुए उसे खत्म करने की बात कही थी। धर्म को डेंगू मच्छर और कोरोना जैसा बताया था। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से निकली है। हल्का सा रिकैप करवा देते हैं आपका। 2 मार्च के दिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें 195 लोगों को टिकट मिला। इन 195 लोगों में से एक नाम उपेंद्र रावत का भी था। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी लोकसभा सीट से वो सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं। इस बार भी बाराबंकी से ही उनको टिकट मिला, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्यों किया है आगे बताएंगे। इससे पहले उपेंद्र रावत का इनकारनामा पढ़ लीजिए। जी, इनकारनामा। 4 मार्च की दोपहर उपेंद्र रावत ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें लिखा था कि मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो डीप फेक AI तकनीक द्वारा जनरेटेड है, जिसकी FIR मैंने दर्ज करा दी है। इसके संदर्भ में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि इसकी जांच करवाई जाए। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता, सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो सांसद उपेंद्र सिंह रावत के हैं और इसमें वो एक महिला के साथ निजी पलों में नजर आ रहे हैं, ऐसा दावा है। उपेंद्र रावत का ये कहना है कि ये वीडियो उनका नहीं है। इस बारे में उपेंद्र रावत की ओर से पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई गई है। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है और ये AI तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है, ये AI तकनीक का कमाल है। मैंने इसके लिए FIR भी दर्ज करा दी है, जाँच चल रही है। जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। मैंने ये पुलिस से भी पूछा है तो पता चला है कि विवेचना ठीक रास्ते पे चल रही है, जल्दी ही वो गिरफ्त में आएंगे। पर ऐसा लगता है कि उपेंद्र रावत का टिकट अब कट गया है। इससे पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था। 4 मार्च को पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद पवन सिंह ने कहा कि जो उनकी बात थी वो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के सामने रख दी है और इसके बाद कहा कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आज का ललन टॉप शो यहीं तक। शुचिता, जिस शब्द का हमने बार बार इस्तेमाल किया, उसे सिर्फ राजनेताओं के लिए या न्यायपालिका के लिए ही मत छोड़ दीजिए। ये शब्द हमारे प्रतिनिधियों के साथ साथ
हमारी दिनचर्या का भी अंग बने, हमारे आचरण हमारे विचारों में भी आए, ऐसी कामना। और एक ऐलान, 2024 चुनावों के लिए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तारीख भी बताएंगे, थोड़ा ही इंतज़ार है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभरात्रि।